हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से इस नए ब्लॉग में। और मैं बहुत दिनों बाद फिर से आ चुका हूं अपने इस चैनल पे वापस। लगभग मैं आज एक साल से गायब था इस चैनल पे, क्योंकि बहुत टाइम से मैं अदर वर्क में बिजी था। अदर वर्क इवन मेरा मतलब है कि मैं यूट्यूब पे ही बिजी था, क्योंकि मैं एक मीडिया स्टूडेंट रह चुका हूँ और मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। और मैंने अब इस चैनल पे मैंने बहुत सारे ब्लॉग भी डाले हैं। जब मैं अपना काम स्टार्ट कर रहा था तो उस टाइम मुझे चीज़ें नहीं पता थी कि यार मैं जो ये चीज़ करने जा रहा हूँ, मैंने अपना काम स्टार्ट किया है, ये कहाँ तक जाएगा कहाँ तक नहीं जाएगा। तो बहुत सारे डर थे मन में, बट ये था कि थोड़ा सा जज्बा भी था चीज़ों को करने का। तो मैंने सोचा कि स्टार्ट करते हैं यार, जो भी होगा देखा जाएगा। और आज कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी बहुत सक्सेस मिली है, तो मैंने सोचा कि फिर से आप लोगों के साथ वापस आते हैं और आप लोगों के साथ अपनी जर्नी शेयर करते हैं, और साथ में आप लोगों को कुछ चीज़ें बताएंगे भी जिससे आपको समझ में आएगा। जैसे अगर मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे बहुत सारे भाई लोग हैं जिनको मीडिया सेक्टर में आना है, जर्नलिज्म में आना है, चीज़ें सीखनी है, समझनी है कि यार जर्नलिज्म में होता क्या है आखिर, ठीक है। तो क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके दिमाग में ये चीज़ कन्फ्यूज़न रहती है कि यार क्या ही होगा, मीडिया में लोग आते हैं पढ़ाई करते हैं और चले जाते हैं कैमरे के सामने बोलना। तो मैं आपको बता दूं, ये चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं, लेकिन हाँ इतनी भी टफ भी नहीं है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, मीडिया में ना अगर आपको चीज़ें सीखनी है तो आपको अपने अंदर स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप स्किल डेवलप नहीं करते हो तो आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में क्रिएट, मतलब आपके सामने एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कि यार मैंने 3 साल BGMC किया, 2 साल मैंने MGMC किया, बट मुझे कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है। ये प्रॉब्लम आपके साथ, अगर आप स्किल अपनी नहीं डेवलप करते हो तो ये प्रॉब्लम आपके साथ आनी ही आनी है, ठीक है। तो आपको जो चीज़ करनी है मैं वो आपको बताता हूँ। जस्ट लाइक जैसे जो मीडिया हाउस में सबसे पहले मैं चीज़ें बताता हूँ कि जो मेरी जर्नी रही है, मैंने उस चीज़ को कैसे कैप्चर किया, अपनी लाइफ में आगे बढ़ा। और कहीं ना कहीं अभी मुझे बहुत आगे जाना है, अभी तो ये कुछ भी नहीं है और आप लोगों का ऐसा ही सपोर्ट रहा तो एक दिन बहुत बड़े मुकाम पर पहुँचेंगे। और इसी तरीके से आप लोग प्यार देते रहिए जैसे आप ट्रिगर न्यूज़ पर दे रहे हैं। हाँ, मैं आपको बताना भूल गया, जो मैं एक साल से काम कर रहा था वो चैनल हमारा ट्रिगर न्यूज़ है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा ट्रिगर न्यूज़ चैनल है जिसपे मैं पिछले एक साल से काम कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। लोगों का बस मैं आप एक चीज़ बताऊं, लोग क्या करते हैं, वो टाइम नहीं देना चाहते हैं चीज़ों को, क्योंकि आपका भाई अगर आपका इससे फ्यूचर बन रहा है, अगर आप इस पर ही टाइम नहीं दे सकते हो तो फिर आप मत ही देखो चीज़ें, मत ही सीखना स्टार्ट करो। क्यों आप कॉलेज जा रहे हो, किस लिए कॉलेज जा रहे हो? अगर आप कॉलेज इंजॉय करने के लिए जा रहे हो, कॉलेज लाइफ इंजॉय करने के लिए जा रहे हो, तो आई थिंक आप एक गलत रास्ते पे जा चुके हो और जहाँ से आपको वापस आने की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। अगर आप वहाँ से वापस नहीं आ सकते हो तो आप कभी भी अपनी लाइफ में एज अ मीडिया पर्सन, एज अ जर्नलिस्ट नहीं बन सकते, एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट नहीं बन सकते, ठीक है। तो आपको चीज़ें अगर सीखनी है, करनी है, तो आपको इन चीज़ों को, अपने आप को, अपने वर्क को टाइम देना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं आपको बता दूं, मैंने स्टार्टिंग में एक शब्द यूज किया था, स्किल, ठीक है। अगर मैं ये चीजें कर रहा हूं आज के टाइम में, अगर मुझे ये चीजें आ रही हैं, मैंने मीडिया सेक्टर में अगर आपको काम करना है तो मैं आपको बता दूं, एडिटिंग आपको आनी चाहिए अगर आप अपना वर्क स्टार्ट कर रहे हो। नहीं तो बहुत लोग होते हैं सिर्फ एक प्रोफेशनल बनना स्टार्ट करते हैं, वो सिर्फ एडिटिंग ही करते हैं, वो सिर्फ एंकरिंग ही करते हैं, उन्हें सिर्फ वॉइस ओवर ही करना है। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको ये चीजें पसंद है, बट मेरा क्या था, मुझे एक्सप्लोर करना था। मैं थोड़ा सा एक दूसरे टाइप का बंदा हूं, मैं चीजों को एक्सप्लोर करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है ना कि यार देखते हैं ये होता क्या है आखिरकार। जैसे होता है ना कि इंटरेस्ट आता है दूसरों की लाइफ में, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। लोग किस लिए चीज़ें दिखाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मुझे सामने वाले को चीज़ में इंटरेस्ट आएगा, मैं दिखाता हूँ। अगर उसके साथ बहुत अच्छी चीज़ होती है ना तो वो दिखाता है, नहीं होती तो वो नहीं दिखाता, लेकिन अगर अच्छी हुई तो दिखाएगा, तो सामने वाला भी इंटरेस्ट करे, अरे यार देखते हैं चलो इसके लाइफ में क्या हुआ है, ठीक है। तो वो ये चीज़ करता है। तो अगर आपको दूसरों की चीज़ों में इंटरेस्ट आता है, दूसरी चीज़ों में इंटरेस्ट आता है, तो वहाँ पर आप एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है, समझ सकते हो कि क्या हो रहा है, ठीक है। ये मेरी बात आप समझ रहे होगे कि मैं क्या
कहना जा रहा हूँ। थोड़ा सा इनडायरेक्ट था लेकिन चीज़ें आप समझ सकते हो कि मेरा कहने का क्या मतलब था। तो मेरा बस यही है कि आप चीज़ों को एक्सप्लोर करो, जैसे लाइक जैसे मैंने किया, मैंने एडिटिंग भी सीखी, मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग भी सीखी, मैंने वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी सीखा, ग्राफिक एंकरिंग भी सीखी, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। और इवनली मैं आपको बताऊँ, मैंने बहुत सारे मीडिया हाउसेस में एज अ इंटर्न भी काम किया है, जहाँ पे चीज़ें मैं सीखने जाता था। तो मुझे मतलब बेसिकली मैं वहाँ से चीज़ें सीख के आके अपना वर्क स्टार्ट करना चाहता था, और मैंने वही किया, मैंने वहाँ से चीज़ें सीखी और मैं आज अपना वर्क कर रहा हूँ काफ़ी अच्छे तरीके। और मैं आपको बता दूँ, मेरे अंडर में भी काफ़ी बच्चे हैं जो काम कर रहे हैं। अगर आपको भी चीज़ें सीखनी हैं, समझनी है, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, कॉलेज लाइफ में हैं, या आप कॉलेज में जाने वाले हैं एज अ जर्नलिज्म, तो आप आ सकते हैं हमारे साथ, हम चीज़ें आपको सिखाएंगे भी, और आपको एग्रीमेंट लेटर, सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ प्रोवाइड होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, एग्रीमेंट लेटर और सर्टिफिकेट की आज के टाइम में मैं कहूं तो कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। अब ये बात घूम फिर के फिर से वहीं आती है स्किल पे, कि आखिरकार यार ये स्किल है क्या, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूं स्किल क्या है और क्यों जरूरी है, जिस चीज को मैं बार बार बोल रहा हूं। अब यहां बात हुई सर्टिफिकेट की, अब यहां बात हुई एग्रीमेंट लेटर की। मैं आपको बताऊं, ये एग्रीमेंट लेटर, ये सर्टिफिकेट आपका किसी भी नौकरी में काम नहीं आने वाला, सिर्फ वो एक डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट के ही तरह से रह जाएगा। लेकिन अब मैं आपको बताऊं, अब जो डिजिटल मीडिया हो गए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गए, आपके जो प्रिंट मीडिया हो गए, ये सारी चीजें आपसे क्या मांगेंगे पता है? आपसे स्किल मांगेंगे। भाई आता क्या है तुम्हें, ये बताओ हमें, क्या आता है तुम्हें? एडिटिंग आती है? ग्राफिक डिजाइनिंग आती है? कंटेंट राइटिंग आती है? बताओ, जब नहीं आती तुमको तो तुम किस लिए आए हो यहाँ? इंसान का यही एक क्वेश्चन रहेगा, और यही क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाएगा और आपने नहीं एक्सपीरियंस किया रहेगा ना, तो आप नहीं कर सकते। अब जो स्किल है, वो स्किल आपको डेवलप होगी आपके एक्सपीरियंस से। अगर आप एक्सपीरियंस नहीं गेन करना स्टार्ट करोगे, तो आप कभी भी अपने अंदर स्किल्स नहीं डेवलप कर सकते, ठीक है। क्योंकि एक्सपीरियंस और स्किल, ये दोनों एक दूसरे से लिंक करती हैं। एक्सपीरियंस आपको कैसे गेन होगा? जब आप काम करना स्टार्ट करोगे, चीजें को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करोगे, भाई देखोगे, लैपटॉप पे ओपन करोगे कि क्या है, आफ्टर इफेक्ट क्या है, प्रीमियर प्रो क्या है, उसको समझोगे, उस पर काम करना स्टार्ट करोगी। बहुत से लोगों को मैं बताऊं, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनको यही नहीं पता कि प्रीमियर प्रो किस चीज किसका सॉफ्टवेयर है। मैं उनको बता दूं, भाई एडोबी को समझ लो। ऐसे ऐसे लोगों की कंडीशन है। ये मीडिया हाउस के बच्चों की मैं बात कर रहा हूं, जर्नलिज्म के बच्चों की बात कर रहा हूं मैं, उनको ये नहीं पता है, क्या वो करेंगे आप बताइए? काइन मास्टर से आप एडिटिंग करके नहीं कर सकते कुछ। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा है, वो कहते हैं कि भाई यार तुम्हारे पास काइन मास्टर होना चाहिए, तुम्हारे पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, माइक होना चाहिए, तुम अपना चैनल कर सकते हो और तुम सक्सेस हो जाओगे। भाई जब तुमको नॉलेज ही नहीं रहेगी तो कहाँ से सक्सेसफुल हो जाओगे? और नॉलेज तभी गेन होगी जब आप स्टार्ट करोगे, अपनी जर्नी को स्टार्ट करोगे, उसी दिन आपको नॉलेज गेन होना स्टार्ट हो जाएगी। मेरा बस यही चीज़ें कहने का मतलब था कि आप अपना वर्क स्टार्ट करना स्टार्ट करो, और बाकी की जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग डेवलप होती चली जाएंगी। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए मैं बैठा हूँ। आपको जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट करो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। आप कहोगे कि यार ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आ रही है, ये कैसे होता है, मीडिया हाउस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से एक्सपीरियंस लिया जाता है, कहाँ पर इंटर्नशिप करनी चाहिए, कहाँ पर नहीं करनी चाहिए, ये चीजें मैं आपको समझाऊंगा, किस टाइम पे करनी चाहिए। इससे आपको एक बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मैंने देखा है कि यूट्यूब पे आप बहुत चीजें सर्च करोगे मीडिया से रिलेटेड, तो आपको बहुत कम ही ऐसे यूट्यूबर हैं या बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो आपको इन चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ें समझनी है, जाननी है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं आपसे चार्जेस लेने बैठा हूँ। भाई मैं भी एक स्टूडेंट रह चुका हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है 5 से 6 साल के अंदर, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको चीज़ें सीखनी है तो आपके लिए मैं अवेलेबल रहूँगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं आपके लिए उसकी एक वीडियो लाऊँगा, आप उसको समझना। बाकी
आप मुझसे इसी तरीके से जुड़े रहो, मीडिया हाउस से रिलेटेड चीजों की जानकारी आपको इसी तरीके से मिलती रहेंगी, समझाता रहूंगा, एक्सप्लेन करता रहूंगा। बस आप अपना दिमाग खोलो और उन चीजों को घुसाना स्टार्ट कर लो, ठीक है? तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपको किसी नए वीडियो में और किसी अच्छे से टॉपिक के साथ जो भी आप हमसे कहेंगे, वरना तो मैं आपके लिए टॉपिक्स लाता रहूंगा, उसकी कमी नहीं रहेगी। बाकी आपको मेरी पर्सनल लाइफ से भी रिलेटेड चीजें इस चैनल पे देखने को मिलती रहेंगी और जो वर्क है वो भी आपको देखने को मिलता रहेगा। तो आप प्यार दिखाते रहिए, ठीक है? मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टाटा, बाय बाय।